बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। यस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कौन सी टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है, ए भारत, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या डी न्यूजीलैंड। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रैली को रवाना किया। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत अधिकाधिक मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से संचालित स्वीप द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन ICDS के सौजन्य से किया गया। वहीं रैली में DPO एवं अन्य ICDS कर्मी तथा महिला पर्यवेक्षिका CDPO आदि ने भी भाग लिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज मतदाता जागरूकता के लिए हम लोगों ने वाहन को रवाना किया है, जिसमें कि टीवी के माध्यम से, दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा और मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बिहार में भी चुनाव के तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में भागलपुर में भी प्रशिक्षण जारी है। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार की मौजूदगी में EVM की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के कारण सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस को अनुपालन कराने के लिए भी सभी अधिकारी को कहा गया। भागलपुर के नगर निगम पार्षद और नगर आयुक्त के बीच विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर पार्षद ने नगर आयुक्त के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। गौरतलब हो कि 2 सप्ताह पूर्व नगर निगम के सभी पार्षद नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी के रवैया के खिलाफ उनके दफ्तर के सामने धरने पर बैठे थे। उस समय धरना स्थल पर नगर आयुक्त स्वयं पहुंचकर नाराज पार्षद से बातचीत कर मामले को शांत किया था और पार्षदों के लिए रोजाना दोपहर 12 से 1 बजे तक मिलने का समय निर्धारित किया था, लेकिन बीते कई दिनों से नगर आयुक्त अपने दफ्तर में निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो रही हैं और ना ही नगर निगम में विकास कार्य के लिए प्रयासरत जन प्रतिनिधियों से मिल रही हैं। वहीं गुरुवार को करीब 1 दर्जन पार्षद पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में नगर आयुक्त से मिलने के लिए पहुंची तो नगर आयुक्त अपने दफ्तर में नहीं थी, जिससे पार्षद नाराज हो गए और पुनः आंदोलन की चेतावनी दी। हम लोग आज नगर आयुक्त महोदया से मिलने के लिए आए थे। हम सभी अपने अपने क्षेत्र के वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने 12 से 1 मिलने का समय दिया था। आप सबों को मालूम होगा कि पिछले दिनों जन समस्याओं को लेकर और नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय पार्षदों ने धरना दिया था और नगर आयुक्त ने उस स्थल पर पहुंचकर लोगों को आश्वस्त किया था कि उनके समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके कमिटमेंट के अनुसार 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी समस्या के समाधान की बात दूर है, वो अभी मिल भी नहीं रही है पार्षदों से। और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया था हम लोगों ने कि जो नगर निगम में जो बिल्कुल नियमों की अनदेखी करके
जलकल में बहाली की गई है। स्वास्थ्य शाखा में कई सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई है नियमों की अनदेखी करके। न कोई विज्ञापन निकला है, नहीं कोई, तो इससे भ्रष्टाचार की बू आती है। उस पर हम लोगों ने मांग किया था कि उसकी जांच होनी चाहिए और ये सारा का सारा जो भी इसके पीछे जो संलिप्त हैं, जो भी अधिकारी और जो भी कर्मी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों ने यह मांग किया था कि सभी वार्डों में पिछले 21 महीनों से योजना का टेंडर होकर और क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि कहीं वर्क ऑर्डर नहीं मिला है, कई ठेकेदारों को काम शुरू उन्होंने किया उसका पेमेंट नहीं मिला है। तो कारण कुछ भी हो, हम लोग की मांग है कि कार्य धरातल पर उतरना चाहिए। और उन्होंने यह आश्वस्त किया था कि वो काम 10 दिनों के भीतर सभी वार्डों में प्रारंभ कराया जाएगा, लेकिन जैसी मुझे मेरी जानकारी है कि इक्के दुक्के वार्ड को छोड़कर बाकी सारे जगह विकास कार्य ठप हैं। हम लोगों को, हम सिर्फ जनप्रतिनिधि को नहीं बल्कि हम लोगों को जनता से भी को भाजन हम लोग बन रहे हैं। जनता भी, हम जनप्रतिनिधियों को रोज सवाल पूछ रही है कि आपके यहाँ कब काम होगा, इतने दिनों से कहीं गड्ढे खुदे हुए रखे हुए हैं, कहीं आधे नाली बनकर उसका नाला निर्माण पूरा उसका पट नहीं लगा है, कई बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर हम लोग बिल्कुल परेशान हैं। और हम लोग आज नगर आयुक्त महोदया से उसी के लिए मिलने के लिए आए, लेकिन उनका देख रहे हैं कि उनका अभी दरवाजा बाहर से बंद है। बाहर में लिखने का जो लिखा हुआ टाइम वो भी 12 से 1 है, हम लोग नियमित टाइम पर आए, समय पर आए, लेकिन उसके बावजूद उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग अगर जल्द से जल्द, हमें लगता है हम 1-2 दिनों के अंदर मिल बैठकर फिर आगे की कार्य योजना तय करेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। और जब तक भ्रष्टाचार का उजागर न होकर विकास कार्य पटरी पर जब तक नहीं उतरता है, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। पैसा जो है कोरोना कार्यकाल में सत्येंद्र वर्मा ने लूट खसोट करके पूरा आंतरिक संसाधन को का जो खजाना वो खाली कर दिया गया है। हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो और सत्येंद्र वर्मा पर जो है कार्रवाई की जाए। आज हम लोग आए थे नगर आयुक्त महोदया से मिलने के लिए, जो हम लोग धरना पर बैठे थे उसके विषय में, लेकिन आज वह ताला बंद है और हम लोग नहीं मिल पाए उससे। आगे क्या कीजिएगा? आगे जो है हम लोग जो है उस पर जो है, यदि इस पर जांच की तय नहीं किया गया तो हम जो है उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से करना होगा हम लोग करेंगे। हम लोग बैठेंगे नहीं, जनता हमको चुन के भेजी, जनता हमसे जवाब मांगती है कि हमने जो है आंतरिक संसाधन के बारे में जो है इसमें जो घोटाला किया है सत्येंद्र वर्मा, उसके बारे में हमने 2 बार, पहले तो अप्रैल के अति आवेदन दिया, इसके बाद अप्रैल किया, इसके बाद आज तक वो जवाब नहीं दिया। जलकर में बहाली हुआ है, किसके आदेश से, किसके निर्देशानुसार वो बहाल किए हैं, उसका भी जो है हम पार्षद से जवाब मांगे, आज तक नहीं मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि सारा भ्रष्टाचार के आरोप में सारा नगर निगम बैठा हुआ है। मिलने के लिए आए थे नगर आयुक्त महोदया, 3 बार हम लोग को टाइम दिया, क्या नहीं है, आज भी आए हैं, देखते हैं ताला जो है खुला हुआ है लेकिन फाटक बंद है, क्या करेंगे, क्या कीजिएगा? आगे के लिए तो जो है अब हम लोग व्यवस्था लगा रहे हैं, ताला बंद करने का काम करेंगे, दूसरा कोई उपाय है नहीं। जी हजूरी बहुत किए हम तो, पहले अपना ही सोचते हैं कि नगर आयुक्त नगर निगम मेरा परिवार है, लेकिन नगर निगम परिवार दलालों के फेर में जो है नगर निगम बर्बाद हो रहा है। कई ऐसे 2-3 दलाल हैं जो कि नगर निगम को बर्बाद कर रहा है। भागलपुर के मोजादीपुर थाना क्षेत्र में अहले सुबह बाल्टी कारखाना चौक बिसारी स्थान के समीप अपराधियों ने मौसम HP गैस वेंडर कुंदन कुमार और गाड़ी चालक अमित कुमार के साथ छुरी की नोक पर 50,000 रुपए छीन लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि गैस गाड़ी से अपराधी को हल्का ठोकर लग गया था, उसी दौरान अपराधी आग बबूला हो गया और गाड़ी चालक को गाड़ी से खींचकर बुरी तरह से पीटने लगा। अपराधियों का उससे भी मन नहीं भरा तो गाड़ी चालक के ऊपर छुरी से वार करने लगा। चालक के विरोध करने के दौरान चालक के पेट में छुरी लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर वहां लगे CCTV कैमरे को खंगाल रही थी। यहाँ पे पूरा सल्टा दिया आदमी लोग, तो मेरा गाड़ी क्यों सल्टा रहा है? तो छड़ा ओड़ा दिया था तो यहाँ पे हम सोचेगा पानी कटने हो गया, यहाँ पे हम गाड़ी ठीक नहीं की, स्टार्ट नहीं हो रहा था, वही तार उड़ खींच दिया था तो स्टार्ट नहीं हो रहा था। वहाँ रोड पे हम स्टार्ट कर रहे थे गाड़ी, तो वहाँ पर बैठ करके स्टार्ट कर रहे थे, पीछे से करके पहले 2-3 बेल्ट यहाँ पे देखिए खींच किया, उसके बाद फिर चाकू दे करके वो यहाँ पे वो ऐसे करता, लेकिन उसका हाथ जो पकड़े ना दूसरा हाथ। मामला क्या है बताइए तो?
मामला यहाँ पे गाड़ी लेके धीरे धीरे जा रहे थे हम, तो उसमें सट वो भी नहीं किया था और अपना बलजोगी से भिड़ गया वो। अच्छा, ताकत दिखा रहा था, भीड़ गया तो फिर झगड़ा हुआ, यहाँ पे मामला शांत हो गया। शांत हो गया वहाँ पे जा करके हम गाड़ी ठीक कर रहे थे, वहाँ आकर के वो बेल्ट लेकर चाकू लेकर के मारने लगा। कितना पैसा लिया? पैसा 5 सिलेंडर। और क्या लिया? और कुछ नहीं, बस जगह लेके। पहचानते हैं उसको? पहचाने, अभी इस जगह था, उधर भाग गया। ये कहाँ पर की घटना है? ये बाल्टेकर चौक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन। कौन से गैस एजेंसी में काम करते हैं? मौसम एक्सपीरियंस। इधर गाड़ी उसमें सटवो भी नहीं किया था अपना मनमोनी के कारण। नवगछिया के नए थानाध्यक्ष ने संभाली कमान, कहा अपराध नियंत्रण व विधि व्यवस्था का संधारण पहली प्राथमिकता। नवगछिया एसपी स्वप्नाजी मिश्राम ने नवगछिया टाउन थाना के थानाध्यक्ष की कमान इंस्पेक्टर अमर विश्वास को सौंपा है। गुरुवार को इंस्पेक्टर अमर विश्वास ने अपना योगदान भी दे दिया है। नए थानाध्यक्ष से नवगछिया शहर सहित थाना क्षेत्र के लोगों को एक बेहतर पुलिसिंग देखने को मिलेगी एवं अपराध पर अंकुश लगेगा, ऐसी उम्मीदें हैं। योगदान देने के बाद नए थानाध्यक्ष अमर विश्वास ने कहा कि अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था का संधारण एवं आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। नवगछिया 14 सितंबर को चक्का जाम को सफल बनाने को लेकर ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने की बैठक। बिहार सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा अपने 20 सूत्री मांगों के समर्थन में आगामी 14 सितंबर से घोषित अनिश्चितकालीन चक्का जाम की तैयारी हेतु गुरुवार को भागलपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा स्थानीय नवगछिया कार्यालय में ट्रक मालिकों की बैठक सह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सुंदरम है बेस्ट, अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी, घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, क्लासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 9403-67-167। नवगछिया ज्वेलरी दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर लाखों की ज्वेलरी की हुई चोरी। परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया तुलसीपुर चौक पर स्थित एक ज्वेलरी दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस दौरान चोरों ने दुकान में रखे लाखों की ज्वेलरी की चोरी की है। चोरी की घटना के संदर्भ में दुकान के मालिक खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर निवासी रोशन कुमार पिता कित्यानंद पोद्दार ने परबत्ता थाने में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है।
नवगछिया मास चेकिंग अभियान में 57 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई है। जांच अभियान में कुल 57 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 2850 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 2 वाहन से 2000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया। अस्पताल में भर्ती हुए वरिष्ठ पत्रकार राजेश कनोडिया। नवगछिया शहर के वरिष्ठ पत्रकार राजेश कनोडिया पेट में अत्यधिक दर्द की वजह से भागलपुर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें हर्निया से पीड़ित बताया। बुधवार की देर शाम उनका सफल ऑपरेशन भी किया गया। जानकारी के अनुसार भागलपुर के तपस्वी नर्सिंग होम में वे भर्ती हैं। चिकित्सकों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। इधर अनुमंडल पत्रकार संघ ने उनके जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाने के लिए ईश्वर से कामना की है। मालूम हो कि श्री कनोडिया वर्ष 1980 के दशक से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में सक्रिय रहे हैं। इन दिनों वे सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। नवगछिया जितिया में मां के साथ गंगा स्नान करने गए बालक की जहाज घाट में डूबने से हुई मौत। जितिया के अवसर पर अपनी मां के साथ गंगा स्नान करने गए 12 वर्षीय बालक की मौत तिंटेंगा करारी स्थित जहाज घाट पर डूबने से हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अंगरा ओपी क्षेत्र के भवानीपुर गांव का बालक विजय झा अपनी मां के साथ गंगा स्नान करने जहाज घाट गया था, जहां गहरे पानी व तेज बहाव में चले जाने के कारण बालक डूब गया। घटना की जानकारी मिलने पर अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल व गोपालपुर थानाध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती मौके पर पहुंचे व स्थानीय गोताखोरों से सबको ढूंढने का प्रयास किया, मगर सफल नहीं हो सका। जहाज घाट पर मां दहाड़े मार कर रो रही थी। नहीं रहे भवानीपुर के पूर्व मुखिया योगेंद्र यादव। नौगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर के भूतपूर्व मुखिया राजद नेता योगेंद्र यादव 87 वर्षीय का निधन गुरुवार की संध्या 4 बजे हो गया। वे 2000 ईस्वी में भवानीपुर पंचायत के मुखिया बने थे। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर आर के राणा के साथ राजद की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को लेकर राजद के जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल, कोषाध्यक्ष मनोज यादव सहित कई राजद नेता व स्थानीय समाजसेवी उनके घर पर पहुंचे। वहीं भूतपूर्व मुखिया अपने पीछे 2 पुत्र राजीव रंजन एवं अंबुज कुमार सहित 6 पुत्रियों को छोड़ गए हैं। जिला प्रवक्ता विश्वास झा ने कहा कि राजद के एक अनमोल पुरंदा को राजद परिवार ने खो दिया है। इनकी कमी विशेष रूप से चुनाव में खलेगी। ट्रक और मोटरसाइकिल के टक्कर में एक घायल। नौगछिया थाना क्षेत्र के थाना चौक रेलवे केबिन के पास गुरुवार को ट्रक और मोटरसाइकिल के टक्कर में मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया। घायल युवक रंगरात थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी प्रमोद यादव के पुत्र अंदेश कुमार के रूप में की गई है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। नौगछिया के जगतपुर में नहाने के क्रम में डूबे युवक का शव बरामद। नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी गंगाधार में मंगलवार की सुबह थाना क्षेत्र के ही जगतपुर में नहाने के क्रम में डूबे कीरो यादव के 19 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार का शव गुरुवार को बरामद कर लिया गया है। गुरुवार को भी एसडीआरएफ की टीमों द्वारा घंटों मशक्कत कर शव को नदी से बाहर निकाला गया। नारायणपुर देसी शराब के साथ 3 गिरफ्तार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव से गुरुवार को भवानीपुर पुलिस ने जयप्रकाश शर्मा के घर से 15 लीटर देसी शराब के साथ कुमो शर्मा, भवेश शर्मा, अंकज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी को स्वास्थ्य जांच के बाद न्यायिक हिरासत में नौगछिया जेल भेज दिया गया। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने दी। नारायणपुर नव विवाहिता की हत्या मामले में ससुर गिरफ्तार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर चौधरी गांव में 6 जुलाई को दहेज के लिए नव विवाहिता की गला दबाकर हत्या मामले में नामजद आरोपी ससुर ढोरी मंडल को भवानीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने दिया। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा।
दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA BCom BSc पॉलिटेक्निक BTech BBA BCMLA निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680 8225-6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में, संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-339-6666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।